एक वर्ष से किसानों का आंदोलन चल रहा है, 600 से ज्यादा किसानों की जान चली जा चुकी है। अभी मलिक साहब राज्यपाल जो है उन्होंने भी कहा कि 600 लोगों की जान चली गई मगर सरकार चुप है, एक शब्द संवेदना का नहीं कहा। किसानों की जान कितनी सस्ती है और कितना बढ़िया मार्मिक गीत पढ़ के गए हैं गजब गोविंद, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ साहब, बहुत अच्छा का पाठ करके गए। और यही कविता का उद्देश्य है, यही कवि सम्मेलन का उद्देश्य है कि हम वर्तमान परिवेश को कहीं ना कहीं परिलक्षित करें, कहीं ना कहीं हम उस वर्तमान परिवेश में जो घटनाएं घट रही है उनको भी हम समाज के सामने लाए। यही समाज के साहित्य का काम है। प्रेमचंद जी ने कहीं पे लिखा था कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है, तो निश्चित रूप से ऐसे गीतों से ही समाज को दिशा मिलती है। मैं चाहता हूँ कि पुनः एक बार जोरदार तालियां मंच से भी गजब गोविंद के लिए तालियां बजा दी जाए। और आइए अगले कवि के रूप में हम एक हास्य के आइटम बम को बुलाना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं बचपन में एक पत्रिका पढ़ा करता था, मोटू पतलू, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, कार्टून की किताब हुआ करती थी, तो उसमें जो एक मोटू का चरित्र था वो चरित्र यहाँ पे साक्षात विराजमान है लटूरी लठ के रूप में। आप देख रहे हैं मेरे बड़े भाई हैं इधर, सोनी जी बैठे हैं केके जी के बगल में, केके पाठक जी के बगल में, वो भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये दोनों साढ़ू भाई, सही बता रहे हैं साढ़ू भाई चांद के मामले में, उनके भी बाल नहीं है, इनके भी बाल नहीं है। और साढ़ू भाई उसको कहा जाता है जो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट से ठगे गए दो लोग होते हैं। एक बार तालियां ही बजा भैया, कितनी अच्छी लगी। ये सोनी जी बैठे, देखिए सोनी जी को भी पता नहीं लगता सुबह मुंह कहाँ तक धोना है, धोते चले जाते हैं। हमने पिछले दिनों पूछ लिया लटूरी जी से, भाई साहब आपको कोई परेशानी नहीं होती? बोले चांद भाई कोई परेशानी नहीं होती है, बस सुबह ये नहीं पता लगता है कि मुंह कहाँ तक है, धोते ही चला जाता हूँ, कभी कभी तो पीछे तक धोना पड़ता है। तो बगल में जयराम भाई साहब बैठे थे, हमने कहा भाई साहब ऐसा क्यों होता है? तो जयराम भाई साहब बोले चांद तुझे नहीं मालूम? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले देखो हर पुरुष के जीवन में केवल दो महिलाएं सर पे हाथ रखने का अधिकार रखती हैं, सर पे हाथ फेरने का अधिकार रखती है, पहली माँ दूसरी पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो कई तरह काले घुघराले बाल जमते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो लटूरी लट्ठू जैसे हो जाते हैं। और ये जो सोनी जी बैठे हैं इनको इनको देख के तो लग रहा है कि पूरे मोहल्ले की महिलाएं फेरती हैं इनके ऊपर। आइए ऐसे ही आपको चाहते हो कुछ आगे ले जाने वाले जोरदार कवि लटूरी लट्ठू को मैं आपकी तालियों के बीच में माइक पर बुलाता हूँ। आप तब तक ताली बजाते रहें जब तक लट्ठू जी यहाँ उपस्थित न हो। कुछ जानवर कभी आपने हंसते हुए नहीं देखा होगा,
अगर कोई जानवर हंस रहा हो तो समझ लो कि उसमें आदमी होने के लक्षण पैदा हो रहे हैं। और हंसने की बात हो और आदमी होकर फिर हंस नहीं रहा हो, अब मैं देखना चाहता हूं कौन कौन नहीं हंस रहा है। अगर आप सब लोग आदमी ही हो तो बस इसी तरह हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मैं आनंद के लिए एक बार योगा सामने हो जाकर सुनूंगा। आदरणीय संपत सरल जी, आप इस क्षेत्र में पहली बार आए हैं, ये बुंदेलखंड है, ये हर चीज में उत्कृष्ट है। इस तरह के कार्यक्रम यही क्षेत्र करा सकता है माननीय विधायक जी के माध्यम से। बेटियों की शादी, इतना बड़ा महोत्सव, आनंद महोत्सव, बाकी पूरे देश में सरकारी बजटों से होते हैं लेकिन व्यक्तिगत बजट से ऐसा बड़ा कार्यक्रम संभव है। अन्य कोई ये हर चीज में अव्वल क्षेत्र है, खेती किसानी में, साहित्य में, यहाँ का साहित्य तो गजब है, क्या देखेगा कोई यहाँ के लोगों को बता रहा, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन समझने की आवश्यकता होती है, मुझे पता नहीं किसकी है, दो चार पंक्तियां मैं सुना देता हूँ, मुझे याद नहीं किसकी है लेकिन मुझे अच्छी लगती है, खाना खाना भाई से शुरू कर देता हूँ। इस क्षेत्र में कैसा लेखन होता है, जो बातें बहुत लंबे लंबे व्यंगों में कही जाती हैं या दो पंक्तियों में कह दी जाती है, मुझे इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है। 2014 से लेकर के वर्तमान सरकार में जो जो कार्य हुए, जो जो योजनाएं आई हैं, जो जो बिल पास हुए हैं, यहाँ का आदमी उनको लिखता है तो कैसे लिखता है, स्वागत। GST, नोटबंदी, ये सारी चीजें दिमाग में है आपके, बुंदेलखंड कैसे लिखता है, धन्नो नयो करम नहीं दे रहे, GST, धन्नो नयो करम नहीं दे रहे, रुपया घरे घर नहीं दे रहे, नोटबंदी। और अगली पंक्ति में मंच से लेकर अग्रम पंक्ति में बैठे और पीछे बैठे लोग अपनी हंसी को रोक करके दिखाना, महेश कटारे जी की पंक्तियां रही है, तो हिंदू की बात कर, मुसलमान की
कैसा देश था, क्या बना दिया इसने। नहीं गंदगी दूर कर सके ऐसे ये सावन निकले, नहीं गंदगी दूर कर सके ऐसे ये सावन निकले हैं, पूरा दिन फाल डाला है ऐसे ये जामुन निकले हैं। सर मैं अगर सत्य कह जाऊं तो फिर मेरा समर्थन करना, ऐसे माहौल में मैं आपके बल पर ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कलम पर पहरा है, रंग बहुत गहरा है भाई। वाह 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 वाह। नहीं गंदगी साफ कर सके ऐसे ये सावन निकले हैं, पूरा दिल भर डाला है ये ऐसे जामन निकले हैं। राम समझ कर हमने जिनको सत्ता की चाबी सौंपी है, धर्म कर्म की हत्या कर दी ये ऐसे रावण निकले। उपाय भी बता दिया, वो उन
जो तो प्रेस रिपोर्टर जो काम समाज में सब पत्रकार का होता है शादी वाले घर में वही नाई का होता है, उसे पता रहता है कहाँ क्या चल रहा है। तो अखबार वाले अखबार छापते थे और समाज में पहुंचा देते हैं। उसने उस समय का जो गीत गाया जाता है उसको रागात्मक अखबार की तरह निकाला, जो खेलों के समय पर आदमी फैमिली भी जो गीत पढ़ा जाता है जी। मेरी पहली ममरियारे के पंग कमल के पीछोरे सरंगा के दोनों पक्षों का वर्णन करता हूं।
संयोग और वियोग साहित्य के अनुसार लोग बैठे हुए महाविद्यालय में कार्यक्रम था। सर एक आनंद थी, आनंद ले संयोग और वियोग का अखियन बतराए गई, अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाए गई। दृश्य देखना, समाज में इस तरह की घटना घटित होती है तो मैं चित्र प्रस्तुत कर पाऊंगा। सोनी जी बैठ जाइए, कहां से बोल रहे हैं आप? बैठिए। वो पहले बता दिया कि आदमी के स्तर पर दो महिलाएं आप कराती हैं, माया पत्नी, लेकिन इसमें श्याम भाई बिल्कुल प्राकृतिक सत्य नहीं है। विधायक जी, कोई पत्नी अपने पति के सर पर हाथ नहीं फिरा। जेब पे हाथ फेरती है सर का, तो फिर क्यों गलत बात? और मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं, तो ऐसा होता है। विधायक जी, मेरे साथ शायद हो गया है, इसीलिए ऐसा हो गया है। सुनिएगा, अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाए गई, हम आंख के बीच फंसे ऐसे, हमें आंख का रोग लगाए गई। अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाए गई, हम आंख के बीच फंसे ऐसे, हमें आंख का रोग लगाए गई। उन आंखों पे निकसे कैसे, उन आंखों पे उभरे कैसे, इन आंखों बीच समाए गई। अगर हंसने के लिए तैयार रहना, उन आंखों पे निकलने कैसे, इन आंखों बीच समाए गई। अब आंखें ढूंढ नहीं बातों जो जूतन ते पिटवा। अब आंखें ढूंढ नहीं, और वो किसानों की बात कर रहे थे सर। किसान सरकार समझिए, किसान मूर्ख है। ईमानदारी बताना, किसान मूर्ख होते हैं क्या? सरकार में इतनी अकल जितनी अकल किसानों के पास है उतनी सदियों में आ पाएगी। जो अन्नदाता होता है ना, उसे उस अकल की जरूरत नहीं पड़ती। और जिस दिन किसान ने उस राजनीति का प्रयोग कर लिया, तो न आप रहेंगे ना हम रहेंगे। खेत में किसान सदा सीधा कूद लेते हैं, इंजीनियर भेद करते हैं, हल जोतते हैं और बैल आंकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूद लेते हैं। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं तो शत्रु सूंड लेते हैं। श्रद्धा से मिले नहीं तो शत्रु सूंड लेते हैं। अब हंसने के लिए तैयार रहना। हल जोतते हैं और बैल आंकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूद लेते हैं। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं शत्रु सूंड लेते हैं। गंगा नहाने जाए हरिद्वार काशी भी, बिना उस तरह के उन कन्ने मूड लेते हैं, बिना उस तरह के उन कन्ने मूड लेते हैं। और अजनबी शहर में किसी भी बारात जाए, पीने वाले बाजा के भी ठेका ढूंढ लेते हैं। जो ठेका लेने की कुबत रखते हैं, तो वो क्या बिल वापस करने की कुबत नहीं रखते क्या? एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, बिल वापस होंगे। और बिल वापस इसलिए होंगे, छोटा है तो क्या हुआ, आंख का आंसू एक, इसमें कितनी आग है, छूकर तो तू देख। तालियां कमाई उन्हें करने में कितनी आग है, इसमें कितनी आग है, छू कर तो तू देख, इसमें कितनी आग है, छू कर तो तू देख। और जो भारतीय एक दृश्य है, एक कवि कैसा महसूस करता है, कपटी क्रूर तिरोही कामी, अब सिद्धों को मैं देख रहा हूं, कपटी क्रूर तिरोही कामी, बात सत्य हो जाए तो तालियों से सूचित करना, कपटी क्रूर तिरोही कामी, सिद्धों को मैं देख रहा हूं, राजनीति की गलियों में प्रसिद्धों को देख रहा हूं, लोकतंत्र की लाश पड़ी है संसद के चौवाले में, मैं आसमान में मर्राती
की चौंक को देख रहा हूं। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, लेकिन इन 75 सालों में देश रेडियो आपका कहां पहुंचा है? ये देश बड़ा गोदाम है, जनता है सामान। माननीय विधायक जी, मैं सत्य कहने का आदमी हूं, हमने इस देश को कहां कहां ला करके कर दिया। आजादी के 75 साल में कृषि प्रधान देश में किसानों को हिसाब के लिए मजबूर कर दिया कि तुम राशन की दुकान का ठेला लेकर के खड़े हो जाओगे। आजादी के 75 साल में अपनी बेटियों की शादी के लिए हमें किसी दीप नारायण के मुंह को देखना पड़ेगा। चलन नहीं देंगे, और फिर सुनना संसदीय तालियां देना।
रोटी तुमको मिलेगी इतनी, रोटी तुमको मिलेगी इतनी, जिंदा रहो मरण नहीं मिलेगी। तो
तुम्हारी औरत तुम्हारी बात मान लेती है तैयार ना। वाह अच्छा मैं भी यार इसका समर्थक हूँ, मैं भी इसका समर्थक हूँ कि बुजुर्गों की बात नहीं माननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इनकी बात मानो तो गच्चो खा जाए। सर बुजुर्गों की बात तो कतई नहीं माननी चाहिए, गच्चा खा जाओगे कारण तुझे बता रहा हूँ। दुनिया का हर बुजुर्ग व्यक्ति उम्र दराज व्यक्ति यही कहता है इज्जत दो तो इज्जत मिलती है। वाह इज्जत दो तो इज्जत मिलती है, इज्जत दो तो इज्जत मिलती है। अब मान लो आपने इज्जत दे दी तो फिर आपको बचा क्या? अब मान लो अच्छा ये हो जाती है कि इज्जत दो तो इज्जत मिलती है, अच्छा बदले में सामने वाला इज्जत न दे तो तुम उसका क्या बिगाड़ोगे? घर की नजर में कूड़े रह गए। लद्दू मैं आपके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि दुराचरण लदो कुर्सी पे, अनाचार लदो कुर्सी पे, देखत घर के मूड़े रह गए। दद्दा जलते बूढ़े, दद्दा जलते बूढ़े रह गए, और नेता राजनीति के गायक, नेता राजनीति के गायक। और आदमी भाई जी आप नेता कभी ना बनो, बस ऐसे ही समाज से भी आप होना चाहिए। नेता बनकर के भी आप समाज से भी बने, नेता नेता क्या होता है? अपने आप में जो अपने आप खुदी को कर बुलंद इतना कर तहरीक से पहले खुदा बंदे से खुदी को कर मस्त होकर के चला जाओ, नमो मंदिर में जाता है, नमो मस्जिद में जाता है, फिर भी पूजा का